हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्चना फूड ऑफ फ्लेवर में। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ खट्टी मीठी ऑरेंज पॉप्सिकल्स की रेसिपी, जो हम सभी की खासकर बच्चों की बहुत ही ज्यादा फेवरेट होती हैं। और इन्हें मैंने घर पर ही बनाकर तैयार किया है, वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो आप भी इस गर्मी इसे अपने घर पर बनाइए और अपने बच्चों को खुश कीजिए। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि मैंने इन्हें कैसे बनाया है। उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ऑरेंज पॉप्सिकल्स बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 ऑरेंज। अब मैं इन्हें कट कर लूंगी। ऑरेंज को कट करने के बाद हमें इनका जूस निकालना है। आप चाहे तो जूसर की हेल्प से भी इनका जूस निकाल सकते हैं, बट मैं इन्हें सिंपली स्क्वीज करके इनका जूस निकालूंगी। इस तरह से भी बड़ी ही इजीली इसका जूस निकल जाता है। इसी तरह हम दोनों ऑरेंजेस का जूस निकाल लेंगे। मैंने दोनों ऑरेंजेस का जूस निकाल लिया है। अब हम इस जूस को छानेंगे। जूस को छानने के बाद हम इस जूस को एक कप में ट्रांसफर करेंगे। आप कोई भी ग्लास या कप मेजर के लिए ले सकते हैं। मैंने ये एक कप लिया है। ये एक कप जूस है। अब जिस कप से हमने जूस को मेजर किया है, उसी कप से मेजर करके 3 कप पानी इसमें ऐड कर देंगे। 2 and 3। पानी डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी शुगर। मैंने जिस कप से पानी और जूस को मेजर किया है, उसी कप से मेजर करके 3/4 कप शुगर डाल दूंगी। आप चाहे तो थोड़ी इसमें ज्यादा या कम भी कर सकते हैं शुगर। शुगर डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 2 से 3 रो ऑरेंज फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट इसे डालने से हमारी पॉप्सिकल्स एकदम मार्केट स्टाइल बनेंगे। ऑरेंज फूड कलर डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 लेमन जूस। इन्हें अच्छी तरह मिक्स करें। लेमन जूस डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप 1 चम्मच मैदा का भी यूज कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, जिससे कि इस लेमन जूस में कॉर्नफ्लावर के लम्स ना रहे। कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम बचे हुए छिलके में से, ये मैंने ऑरेंज के छिलके लिए है, इसके ऊपर का ऑरेंज पार्ट को पील कर लेंगे। ये ऑरेंज जेस्ट हमें पॉप्सिकल्स में यूज करना है। याद रहे कि हमें व्हाइट पार्ट यूज नहीं करना है। इसका व्हाइट पार्ट बहुत ही कड़वा होता है, तो हम सिर्फ ऑरेंज पार्ट का ही यूज करेंगे। इसी तरह मैं और ऑरेंज जेस्ट निकाल लूंगी। मैंने लगभग 2 चम्मच ऑरेंज जेस्ट को निकाल लिया है। अब इन्हें भी मैं इस ऑरेंज जूस में ऐड कर दूंगी। ऑरेंज जूस डालने से हमारी पॉप्सिकल्स का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। नेक्स्ट प्रोसेस में मैं गैस के फ्लेम पर एक पैन को चढ़ाऊंगी और उसमें अपने इस ऑरेंज जूस को डाल दूंगी। अब हम इसे बॉईल करेंगे। हाई फ्लेम पर बॉईल आने तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। हमारे ऑरेंज जूस में बॉईल आ गया है, और जैसे ही इसमें बॉईल आया है, वैसे ही हमारा ऑरेंज जूस एकदम ट्रांसपेरेंट और शाइनी हो गया है। हम साइड से इसके झाग को निकालते रहेंगे और इसे लगभग 5 से 10 मिनट बॉईल होने देंगे। लगभग 10 मिनट उबलने के बाद हमारा ऑरेंज जूस रिड्यूस हो गया है और हल्का सा थिक भी हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी लगभग 2 चुटकी जितना नमक। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे ऐड करें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, बट नमक डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है।
अब नमक डालने के बाद हम इसे लास्ट 2 मिनट के लिए और बॉईल कर लेंगे। नमक डालने के बाद मैंने इसे लगभग 2 मिनट के लिए और बॉईल कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए इसी पैन में छोड़ देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे छान लेंगे। छानने के बाद हम इसके पॉप्सिकल्स बनाएंगे। ऑरेंज पॉप्सिकल्स बनाने का हमारा ये जूस एकदम ठंडा हो गया है और मैंने इसे छान लिया है। अब हम इसका यूज करेंगे। हमें इसे इसी तरह की कंसिस्टेंसी में रखना है। ये फ्लोई कंसिस्टेंसी में नहीं, हल्का सा थिक है। अब हम इसको इस तरह के किसी मोल्ड में भरकर पॉप्सिकल बनाएंगे। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है तो आप डिस्पोजेबल ग्लास का भी यूज कर सकते हैं। आराम से हम पूरे मोल्ड्स में इस जूस को फिल कर देंगे। इसी तरह सारे मोल्ड्स में हम इसे फिल करेंगे। मैंने मोल्ड को ऑरेंज जूस से फिल कर लिया है। अब हम इस मोल्ड को एक एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे। एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करने के बाद हमें ये मोल्ड का जो शेप दिख रहा है इसके बीचों बीच हमें चाकू से एक छोटा सा छेद कर देना है। और इसके बाद आप आइसक्रीम स्टिक लेकर इनके बीचों बीच लगा दें। मेरे पास इसी मोल्ड की ये स्टिक है तो मैं इन्हें यूज कर रही हूँ। आप इसकी जगह नॉर्मल जो आइसक्रीम स्टिक आती है उनका यूज कर सकते हैं। मोल्ड में मैंने आइसक्रीम स्टिक को लगा दिया है। अब हम इस मोल्ड को 8 से 9 घंटे या ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में जमने के लिए छोड़ देंगे। 8 से 9 घंटे डीप फ्रीजर में रखने के बाद हमारे ऑरेंज पॉप्सिकल्स सेट हो गए हैं। अब इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए हम ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे या इन्हें पानी में भी डिप कर सकते हैं जिससे कि ये इजीली रिमूव हो जाए। 1 मिनट के बाद हम एल्यूमिनियम फॉइल को यहाँ से रिमूव कर देंगे। 2 मिनट ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर छोड़ने के बाद अब हमारी पॉप्सिकल्स निकालने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही इजीली मोल्ड से रिलीज हो गए हैं। तो देखा ना आपने, घर पर ही खट्टे मीठे एकदम रिफ्रेशिंग ऑरेंज कैंडी पॉप्सिकल्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। उम्मीद है इस गर्मी आप भी केमिकल को ना कहके अपने ही घर पे फ्रेश फ्रूट से इन पॉप्सिकल्स को बनाकर तैयार करेंगे और सभी को पसंद आएंगे। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।